अच्छा जी, जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके सितारों की चाल की, जो कि आपके बारे में क्या कहते हैं जानना बड़ा ज़रूरी है। आपका ये हफ्ता लाइक आगे आने वाले जो डेज़ हैं वो कैसे रहेंगे? माहिर इल्म नुजूम अज़ीम जाफरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। कैसा रहेगा ये हफ्ता तमाम लोगों के लिए? हाउस ऑफ स्टार्स, 12 सितारों के घराने क्या क्या कह रहे हैं, ज़रा प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी बताएँ तो सही। जल्दी जल्दी अच्छा, आपको हमेशा जल्दी बताना पड़ता है बस हमारे पास जरा वक्त की किल्लत होती ना। चलें जी बता दें जल्दी से। अच्छा जी, एरीज से हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपने प्रोग्राम की। एरीज वाले जो हैं उनका स्टार अभी 30 अक्टूबर को वापस रेट्रोग्रेड हुआ है, मतलब उल्टी पोजिशन उल्टी चाल में आया है। ठीक है, तो जो काम अगर रुक गए थे तो वो दोबारा वो ठीक हो सकते हैं, अपने फैसलों पे नज़रअंदाज नज़रसानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सोचा यार मैं रिज़ाइन दे दूँ, अब आपने सोचा नहीं यार इस वक्त हालात ऐसे मैं रिज़ाइन अपना रोक दूँ। ठीक है, या आप बॉस हैं, आप अपने किसी को निकालना चाह रहे हैं एम्प्लॉय को, आपने सोचा नहीं यार अब मैं अभी ना निकालूँ, अभी इस वक्त हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि गड़बड़ की जाए, तो ये एक तो चेंज आएगा। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है चेंजेस। ओके ठीक है, कोई बड़ा अफसर हो सकता है वो रिजाइन वापस लेने का अगर प्लान कर रहा है तो वो रुक भी सकता है। लेकिन आप सिर्फ एरीज वालों का बता रहे हैं। जी एरीज जो है ना, एरीज का जो होता है वो प्लेनेट होता है मार्स। मार्स जो होता है ना एग्रेशन, फौजी, ठीक है ना, पुलिस, ये जितने फोर्सेस के होते हैं ये मार्स से रिलेटेड होते हैं। जंगजू, जंग का सितारा। अच्छा जी, उसके बाद हम आएंगे टॉरस पे। टॉरस वालों का जो है ना वो अभी सिक्स्थ हाउस में गया हुआ है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। अच्छा। तो वो कंबस्ट भी है, गुरूब भी है टॉरस वालों का, तो वो गुरूब की वजह से भी उनको मजा नहीं आ रहा, तो बस चल ही रहा है बस। ठीक है, बस ये है कि उनका बेस्ट रेमेडी है कि वो एवरी फ्राइडे ना चूटियों को चीनी डालते रहे, किसी गरीब को जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको चीनी दिला दिया करें सैटरडे फ्राइडे के फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद बारी है जी जेमिनाई वालों की। जेमिनाई वाले भी कंबस्ट यानी गुरूब भी चल रहे हैं सितारा, अपना भी उनका बेशक फिफ्थ में गया हुआ मगर 11 नवंबर से सिक्स में जा रहा है, थोड़ा सा काम में मसरूफ हो जाएंगे। नॉर्मली ठीक है ना, अच्छे में ना बुरे में। ओके, उसके बाद बारी है जनाब कैंसर वालों की। कैंसर वालों का सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, कामों में डिलेज पेंडिंग चले आ रहे हैं, मगर कुछ भी है समहाउ उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई, उनकी शान व शौकत में, उनके रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में कोई उनका फर्क नहीं पड़ा है, वो अपना चल रहा है वो चलता रहेगा। हाँ, इनको प्रॉब्लम अगर खुदा ना करे जरा केयरफुल टाइम होगा जनवरी की मिड से नेक्स्ट ईयर। उसके बाद बारी है जनाब लियो वालों की। वो अपना आजकल उनका सितारा 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर खराब पोजीशन में, थोड़ा सा केयरफुली फैसले करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत मुताद होकर करें, कोई पेपर साइन एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बहुत 2-3 दफा पढ़ के करें। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का थर्ड हाउस में जाने वाला है 11 नवंबर को, अभी सेकेंड हाउस में फाइनेंशियली गेंस होंगी मगर जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं होंगी, बस काम चलता रहेगा अभी उनका, ठीक है ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, गुस्सा चिड़चिड़ेपन में इजाफा रहेगा। अच्छा। उसके बाद बारी है जनाब लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों का वीनस अपने घर में है, बेशक गुरूब है मगर ठीक है, पहले से निस्बत बेहतर है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अभी कह लें कि अब निकलेगा उनका सितारा, मगर अभी नवंबर क्योंकि गुरूब ही है तो वो बस चलता रहेगा काम, इतना कोई खातिर ख्वाह आपको वो नजर नहीं आएगा कि वो बहुत चेंजेस आ गई मेरे साथ। लिब्रा वालों के लिए यही मैं कहूँगा कि दिन अपने अगर आपने कपड़े होते हैं डोनेट करने तो किसी को डोनेट कर दिया करें एवरी फ्राइडे, तो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, ये एक बार टिप दे दूं कि वीनस जिनका लिब्रा है या टॉरस है ना, वो अच्छे परफ्यूम्स का इस्तेमाल किया करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अपने घर के साउथ ईस्ट में एयर फ्रेशनर रखा करें लाजमी, अगर एयर फ्रेशनर रह सकते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पर कोई ऐसे खुशबू वाले गुलाब का फूल वगैरह रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वैसे ही खराब चल रहा है, खराब मीन्स मतलब ये नहीं कहूंगा कि खुदा ना करे कोई बहुत ही खराब, कई अच्छे भी होते हैं चल रहे होते हैं, और खराब मीन्स आपको एक अंदरूनी एक बेचैनी का सामना होता है। हाँ। सब कुछ होते भी आप कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में, ठीक है लैंड क्रूजर खड़ी है मगर मजा नहीं आ रहा, वो वाला मेरा मतलब होता है खराब का। तो स्कॉर्पियो वाला भी अभी 30 तारीख को उल्टी चाल में गया, अपने फैसले, अपने प्लानिंग्स, अपने कामों में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आएंगे, या जो बनते बनते काम है
वो रुक गए थे, वो शायद दोबारा रिकंसाइल करेंगे और वो दोबारा उसको ठीक करेंगे। ठीक है, अच्छा तो आगे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ ये जरा स्कॉर्पियो वाले के हवाले से, ये बार बार हमसे सवाल भी पूछा गया कि जिनका वो सदका बताते हैं, जैसे आपने भी पहले बताया कि कपड़े दे दें या फिर आप जैसे जानवरों को आप खाना डाल दें, इनका क्या सदका है? इनका सदका ये होता है, ये मंगल की सुबह एक्चुअल जो होता है ना राइजिंग सन, जैसे सूरज निकल रहा है उसके एक घंटे के अंदर दें गोश्त का सदका। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि जब उठे जब दे दिया, आप असर के टाइम दे रहे हैं, आप जोहर के टाइम दे रहे हैं, कोई टाइम नहीं देखा। एक तो फॉर्मूला याद रखिएगा, राइजिंग सन के विद इन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर आपने बकरा गोश्त कीमा मुर्गी कलेजी वॉट एवर यू हैव वो आपने देना है, ठीक है, जो आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो लाल मसूर की दाल ही दे दें, ठीक है। अच्छा, इवन के मैं ये भी लोगों को अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वो भी मंगल के दिन जाएं, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग, नंबर एक। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इनके घर में साउथ का जो एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ का जो एरिया होता है शुमाल का, उसमें सॉरी शुमाल तो नॉर्थ हो गया, साउथ का जो एरिया होता है उसमें इनको चाहिए कोई रेड बल्ब लगा के जीरो का वो रखा करें, ठीक है, तो बहुत इनको फायदा होगा। और उधर कोई क्लटर वगैरह ना करें, मतलब कोई स्टोर बनाया हुआ है, कोई फालतू चीजें रखी हुई हैं वो ना रखा करें, ठीक है ना। अव्वल तो मैं सबसे यही हर वक्त दरख्वास्त करता रहता हूँ कि अपने घर को बहुत ज्यादा क्लीन एंड क्लियर रखें, मतलब आपने स्टोर बनाया हुआ है, छत पे वो लकड़ी टूटी पड़ी है और टीन के डब्बे पड़े हैं और स्टोर में जी वो पुराना पंखा जो चल ही नहीं रहा 75 सालों से वो रखा हुआ है, ये हटाएं, ये क्लियर करें, इससे आपके बैड प्लैनेट्स को ताकत मिलती है, वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। इस पे भी कभी बात करेंगे, आपको टिप्स देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बारी थी सेगिटेरियस वालों की, सेगिटेरियस वालों का 24 नवंबर ऑनवर्ड्स दिस मंथ वो ठीक होने जा रहा है। अभी उल्टी चाल में, जब उल्टी चाल में होता है तो रिवर्स होता है चीजें, जब ठीक होता है तो फिर काम बनना शुरू हो जाते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि उल्टी चाल में सबके ही काम बिगड़े। अगर ऐसा होता है तो आज लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे होते, मकान नहीं खरीद रहे होते। तो ये अकॉर्डिंग टू आपके नेटल चार्ट, यानी जब आप पैदा हुए उस चार्ट से वो मैच करना पड़ता है कि अगर उस वक्त भी उल्टा था अब उल्टा है तो फायदा देगा, और जो उस वक्त सीधा था अब उल्टा है तो उनको नुकसान देगा। ये एक फॉर्मूला होता है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा, अब उनका जो हो रहा है 24 नवंबर से ठीक हो रहा है, तो कुछ को फायदा होगा, कुछ को जैसे मैंने कहा कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मगर फाइनेंशियली इनका ठीक हो चुका है 24 अक्टूबर को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगी फाइनेंशियल गेन्स में, जो पैसों के मामले में थोड़ी रुकावट थी वो सही होगी। कैप्रिकॉन का जो बारी है, कैप्रिकॉन ऑलरेडी 24 अक्टूबर को ठीक हो चुका है, तो अब उनके जो रिवर्स गियर लगा था वो सीधा फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है, तो अब को देखा है उसका जरा तेज हो जाती है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ अब उनका चल पड़ा है काम। उसके बाद बारी एक्यूरियस, एक्यूरियस का भी सही है, मगर अभी इनके 12th हाउस में सैटर्न है, थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा सा दबाव है, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स का सामना है काफी अरसे से 2020 से, वो जाके तकरीबन जनवरी मिड से थोड़ा सा बेटरमेंट आएगी। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की, 24 नवंबर से ठीक होने जा रहा है, मगर अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट पे येलो कलर के कोई चीज है तो वो हटा दें, ग्रीनरी ज्यादा लेकर आए, ग्रीनरी अगर येलो कर्टन पड़े, कोई ब्राउन कर्टन पड़े वो रिमूव कर दें, कोई डस्टबिन है, कोई मॉप है, कोई शू रैक है वो वहां से खुदा रहा वहां से नॉर्थ ईस्ट से अपने बिल्कुल सफाया कर दें, और फिर आप में लाइफ में चेंजेस देखें, ठीक है। अच्छा, आप जाते 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 सिर्फ ये बता दें टीम के सितारे क्या कह रहे हैं भाई? किसके? पाकिस्तानी टीम, हमारी टीम, शाहीनों के। नहीं नहीं, इनके सितारे कुछ नहीं पता होते, इनके सितारे फोनों पे चल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी बात मैं समझ गया, थैंक यू सो मच।